हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 6 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टॉपिक इज स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। आई एम मनीषा वर्मा, लेक्चरर बायोलॉजी, GMSSS आनी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, HP। सो नाउ टुडे वी विल टेक अबाउट द स्टेम। सो स्टेम इज द मेन असेंडिंग एक्सिस ऑफ अ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्यूल एंड एपिकोटाइल ऑफ द एम्ब्रियो। तो स्टेम क्या है? असेंडिंग एक्सिस है, ऊपर की तरफ जाने वाला एक्सिस है प्लांट का। और ये कहाँ से अराइज होता है? एम्ब्रियो में एक रीजन होता है प्लिम्यूल एंड एपिकोटाइल, तो वहां से ये अराइज होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम में जो है वो लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो स्टेम का एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है जो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम है? इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स। सो नोड्स और इंटर नोड्स क्या होती है? This particular structure, this is the node. This is also a node. So region between two nodes is known as internode. तो यहां पर क्या है? दो ये हमारे पास नोड्स हैं और ये इंटरनोड है। तो ये लीफ और पिटियोल, तो इस तरह से दिखाया गया है। तो अगर कोई अंडरग्राउंड स्टेम्स भी, कई बार स्टेम जो हमारे पास अंडरग्राउंड भी होते हैं, एक्सेप्शन होती हैं कई बार, तो तब भी हमें पता कैसे चलता है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। सो बात करते हैं स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगेन स्टेम इज एन असेंडिंग एक्सिस, जो हमने अभी बात की। कहाँ से डेवलप होता है? प्लम्यूल और एपिकोटाइल से। इरेक्ट होती है, हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये जो है आपके पास जमीन में ग्रो करे। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मीन्स सॉइल से अवे ग्रो करती है, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मीन्स सनलाइट की तरफ ग्रो करती है। तो स्टेम के ऊपर क्या होता है? ग्रोइंग एपेक्स जो होता है स्टेम का, हमेशा एक टर्मिनल बड होता है सबसे टॉप पे प्लांट के, जो लेंथ में, ग्रोथ में हेल्प करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, जैसे हमने अभी देखा। तो नोड अक्कर वेयर लीव्स आर अटैच टू द स्टेम, उस पॉइंट को जहां पर स्टेम में लीव्स अटैच होती है उस पॉइंट को कहते हैं नोड। इंटर नोड इज अ पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स। स्टेम लीव्स एंड ब्रांचेस लेटरल ऑर्गन जो है दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। तो एक्सोजीनस इन ओरिजिन मीन्स वो सिर्फ एपिडर्मल लेयर जो होती है, आउटर लेयर से उनका ओरिजिन हुआ होता है, क्योंकि जैसे हमने रूट में पढ़ा था वहां पे रूट हेयर का ओरिजिन हमने पढ़ा था एंडोजीनस, दैट इज फ्रॉम पेरिसाइकल। यंग स्टेम ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होती है, देर आर एक्सेप्शन ऑल्सो। हेयर इफ प्रेजेंट आर जनरली मल्टी सेलुलर। तो ये फर्क है रूट और स्टेम में। रूट में हमने पढ़ा था कि हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर। इन मेच्योर प्लांट्स स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम जो हमारे पास जनरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। रिड्यूस्ड स्टेम्स, जैसे कि हमें प्याज में देखने में मिलती हैं, तो ये जो एक डिस्क लाइक जो चीज होती है, दिस इज स्टेम, दीज आर दी रूट्स, और ये इसकी लीव्स होती हैं, दीज आर दी इरेक्ट। और दूसरी कैटेगरी इरेक्ट स्टेम्स की, और थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे वीक स्टेम्स की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रिड्यूस्ड स्टेम की। तो इनमें क्या होता है? जो स्टेम होती है इट इज इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस स्मॉल डिस्क, और उसमें नोड्स और इंटर नोड्स का पता नहीं लगता है। तो जो हमारे पास रिड्यूस स्टेम है वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है, जैसे गाजर और मूली में देखी जाती है। उसी तरह से हाईली रिड्यूस्ड या नॉन ग्रीन भी हो सकती है, जैसे प्याज और गार्लिक में हम देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास है इरेक्ट स्टेम। तो इरेक्ट स्टेम मीन्स जो सीधी स्टेम्स होती हैं, अपराइट होती हैं, ग्रोइंग असेंडिंग वर्टिकली इरेक्ट स्टेम्स जो होती हैं, इनमें इरेक्ट स्टेम में हमारे पास चार कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है कल्म। तो कल्म जो है एक ऐसी स्टेम को बोलते हैं जिसमें बहुत डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटर नोड्स होंगे। नोड जो है वो दे आर स्वोलन, और उस वजह से जो प्लांट है हमारा उसको एक जॉइंटेड अपियरेंस मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बेम्बू प्लांट को, हम देख रहे हैं इसको एक, जिसे लग रहा है बहुत सारे जॉइंट्स जो है वो लगाए हुए हैं। फिर कॉर्डेक्स और कॉलमनर। तो इस तरह की स्टेम जो है, मेन स्टेम इसमें क्या रहती है? अनब्रांच रहती है, और टॉप पर एक क्राउन, एक ताज जो है लीव्स का होता है। तो इस तरह के प्लांट हम इस तरह का जो स्टेम है हम देखते हैं कोकोनट और डेट पाम में। तो दिस पिक्चर इज ऑफ डेट पाम। फिर आता है एक्स करेंट। तो एक्स करेंट में क्या होता है? जो मेन स्टेम है वो ट्रंक लाइक होती है, चौड़ी होती है, वाइड होती है, बेस पे सबसे ज्यादा थिक होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे ये ग्रेजुअली टेपर करती जाती है, मीन्स ये नैरो होती जाती है। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो देखा जाता है कैजोरीना और यूकेलिप्टस में, सफेदे का पेड़ जिसको कहते हैं, दिस इज यूकेलिप्टस।
फिर डीकरेंट और डेलिक्विसेंट, यहां पर क्या होता है, जो एपिकल बड होता है, जो स्टेम के टॉप पर बड होता है उसे एपिकल बड कहते हैं, वो बहुत वीक होता है एज कंपेयर टू द बड्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस। तो जब इस तरह का चीज होती है तो एपिकल बड जो है वो वीक है, तो लेटरल ब्रांचेस जो है ज्यादा ग्रोथ शो करती हैं, जो ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा स्प्रेडिंग ये होती है एज कंपेयर टू द एपिकल बड। तो पूरा जो ट्री है इट अपीयर्स लाइक डोम शेप। तो ये एग्जांपल यहां पर है बेनियानिया फाइकस बेंगोलेंसिस का। फिर आती है वीक स्टेम्स। तो वीक स्टेम्स जो है दे आर थिन सॉफ्ट डेलिकेट एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट विदाउट सम हेल्प, इसीलिए इनको हमने डाला कैटेगरी में वीक स्टेम्स की, क्योंकि हमने पहले देखा पहली कैटेगरी में स्टेम जो है वो काफी स्ट्रांग थी, लेकिन यहां पर हम थिन और सॉफ्ट स्टेम्स की बात कर रहे हैं। तो वीक स्टेम में अपराइट वीक स्टेम और दूसरी कैटेगरी आती है प्रोस्टेट वीक स्टेम्स की। सो अपराइट वीक स्टेम में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विनर्स की। तो ट्विनर्स कैसी हैं, ये स्टेम वीक हैं, लॉन्ग सिलेंडर फ्लेक्सिबल एंड वेरी सेंसिटिव हैं। दे ट्विन और कॉइल, तो बहुत सेंसिटिव होती हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि खुद इनमें जो है वो ताकत नहीं होती प्लांट को पूरा जो है स्टैंड कराने की, इसलिए ये जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स टच। तो दे ट्विन और कॉइल अराउंड एन अपराइट सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट हो उसके साथ ये जो है इजीली ट्वाइन कर जाती हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। तो जब ये जो ये ग्रोथ शो करती हैं इस टाइम पर, जब ये इस तरह से ग्रो कर रही है, इस ग्रोथ को बोलते हैं न्यूटेशन। तो ये जो न्यूटेशन, ये जो ग्रोथ है, ये जो सपोर्ट पे क्लाइंब कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल हमारे पास क्लिटोरिया टर्नेटिया या फिर लैब लैब जो है उसमें क्लॉकवाइज होता है, तो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज उसको सिनिस्ट्रोज बोलेंगे, और जिसमें क्लॉकवाइज होगा उसको डेक्स्ट्रोज बोलेंगे। तो ये था अपराइट वीक स्टेम में। दूसरा फिर कैटेगरी अपराइट वीक स्टेम में है क्लाइंबर्स का। तो स्टेम इज वीक, बहुत ज्यादा वीक होती है, और ट्वाइनर्स में हमने देखा कि वो अपने आप सपोर्ट पे क्लाइंब कर रही थी, लेकिन क्लाइंबर्स में इट इज ऑल्सो अनेबल टू कॉइल अराउंड अ सपोर्ट, ये अपने आप सपोर्ट के अराउंड कॉइल भी नहीं कर सकी। तो अब ये क्लाइंब कैसे करेगी, इट क्लाइंब्स विद हेल्प ऑफ सम क्लेस्पिंग और क्लिंगिंग स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये जो है वो क्लाइंब कर जाते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर हैं वो, सबसे पहले टेंड्रिल क्लाइंबर्स। तो टेंड्रिल आर स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग ऑर्गन विच आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग स्पाइरली अराउंड द सपोर्ट एंड हेल्प द शूट टू क्लाइंब अप। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अंगूर की बेल दिखाई गई है वाइटिस वाइनीफेरा की, तो यहाँ पे क्या है जो क्लाइंबर है वीक स्टेम्ड है, तो इसलिए इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो है ये सपोर्ट पे क्लाइंब करेंगे। तो काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं। फिर है रूट क्लाइंबर्स। तो एडवेंटूश इसमें क्या होता है, रूट क्लाइंबर्स में ये जो सपोर्ट पे क्लाइंब करते हैं किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से। तो जहां जहां नोड्स होंगी, यहां देख रहे हैं हम लीव्स हैं जहां जहां, उसी के नीचे जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो आ जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स मीन्स ऐसी रूट्स जो रेडिकल से नहीं निकली है। तो इस तरह से जो है वो ये हेल्प करता है क्लाइंब करने में वीक स्टेम प्लांट को। तो थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज स्क्रैम्बलर्स। तो ये भी वीक स्टेम प्लांट हैं, तो स्लोली ग्रो करते हैं और ये दूसरी झाड़ियों पर ग्रो करते हैं। तो किसकी हेल्प लेते हैं ये, दूसरी झाड़ियों की। तो जैसे रोज, ये वाइल्ड रोज है, तो इट क्लाइम्स विद हेल्प ऑफ कर्व्ड प्रिकल्स, कर्व्ड हुक्स और ऑन फ्लावरिंग पेडंकल, एल्ट्राबॉर्टिस में, प्रिकल्स ऑन स्टेम, लेंटाना में। तो इस तरह से स्क्रैम्बलर्स है हमारे पास। फोर्थ जो कैटेगरी है क्लाइंबर्स में दैट इज ऑफ लियानास। तो ये क्या है, दीज आर वुडी पेरिनियल क्लाइंबर्स फाउंड इन डीप फॉरेस्ट। जो बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं वहां पर ये वुडी जो क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। पहले ये ऑर्डिनरी ट्विनर्स की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही ये टॉप पे पहुंचते हैं वैसे ही ये वुडी हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल टाइनोस्पोरा, फेकस, बोहिनिया, बिग्नोनिया एटसेट्रा। तो ये फोर कैटेगरीज हमारे पास थी क्लाइंबर्स की। फिर हमारे पास आती हैं, अब अपराइट वीक स्टेम हो गई, अब आती हैं प्रोस्टेट वीक स्टेम्स। तो प्रोस्टेट जो वीक स्टेम्स होती हैं
ये हमारे पास दिस स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, अपराइट में हमने देखा ऊपर की ओर जा रही थी, अब यहां पर हम देख रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर फैल जाती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी इसमें है ट्रेलर्स या स्ट्रेगलर्स की। दीज वीक स्टेम प्लांट ट्रेल अलोंग द सरफेस एंड डू नॉट ट्राई टू क्लाइंब अप एनी सपोर्ट, दे डू नॉट रूट एट इंटरवल्स। सो दे डू नॉट रूट एट इंटरवल्स, जैसे हमने लियाना उसमें देखा क्लाइंबर्स के केस में, कुछ क्लाइंबर्स रूट क्लाइंबर्स जो है वो रूटिंग कर रहे थे। तो ट्रेलर्स या स्ट्रेगलर्स मीन्स क्रीप कर रहे हैं ग्राउंड पर ही। तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्रोकम्बेंट, दे लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जैसे ये प्रोकम्बेंट पूरी तरह फ्लैट जो है पूरी की पूरी इस तरह से ग्राउंड पर है, ट्राइबुलस बेसेला। फिर डिकम्बेंट, ब्रांचेस आफ्टर ग्रोइंग हॉरिजोंटली फॉर सम लेंथ ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। तो कुछ टाइम तक जो है इस तरह से ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, फिर ये अपराइट ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो ये है हमारे पास एग्जांपल पोर्टुलेका, ट्राइडेक्स एटसेट्रा। फिर है डिफ्यूज, ब्रांचेस ग्रो प्रोफ्यूजली इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, हर तरफ जो है वो ब्रांचेस ग्रो करेगी इस ट्रेलर की। तो एग्जाम्पल इज बोराविया। तो फर्स्ट दैट इज प्रोस्टेट वीक स्टेम में ट्रेलर्स। फिर दूसरे जो आते हैं दीज आर क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या है, दीज आर वीक स्टेम्ड प्लांट्स, ग्रो प्रोस्टेट एंड डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स फ्रॉम देयर नोड्स। तो इसमें क्या है, जो वीक स्टेम्ड प्लांट्स हैं वो जो है इस तरह से प्रोस्टेट मींस इस तरह से ग्रो करेंगे ग्राउंड पर, दे लाई पैरेलल टू द ग्राउंड एंड डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स फ्रॉम देयर नोड्स। तो कुछ ब्रांचेस जो है इनकी ग्राउंड पे आ जाती हैं, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, और इस तरह से इनमें क्या होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। तो उन नोड से क्या होता है एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो अराइज हो जाती है। तो क्रीपर जो है तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज रनर। तो रनर में क्या होता है, द एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम द लोएस्ट लीव्स गिव राइज टू स्पेशल नैरो मॉडिफाइड ब्रांचेस विच क्रीप ओवर द सर्फेस ऑफ सॉइल एंड हैव मल्टीपल नोड्स। तो एक्सिलरी बर्ड मीन लीफ जो होती है, लीफ के एक्सिल में जो बर्ड होता है उसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो यहां से क्या है, जो लोएस्ट लीफ है वो एक नैरो ब्रांच जो है वो बनाती है, उस ब्रांच पर बहुत सारी नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। तो जैसे ही कोई नोड जो है वो ग्राउंड पे टच करती है उसी टाइम पर क्या होता है, उसके बाद जो उस बर्ड में से क्या होती है एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो जाती है और अगला शूट जो अराइज हो जाता है। फिर अगेन अगले प्लांट से अगेन एक मॉडिफाइड ब्रांच चलती है, उसी तरह से जब बर्ड जो है नेक्स्ट बर्ड जो है वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो इस तरह से ये जो है रन करता रहता है, इसीलिए इसका नाम है रनर। तो नोड्स में होता क्या क्या है, स्केल लीव्स होती है और एक्सिलरी बर्ड होते हैं। तो स्केल लीव्स क्या करते हैं, ये इन एक्सिलरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोसेस जो है रिपीट होती जाती है। तो रनर जो है इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स प्रोपेगेशन बाय मीन्स अदर देन सेक्शुअल मीन्स। तो एग्जाम्पल इसमें है दूब ग्रास, साइनोडन डेक्टिलियन एंड सेंटेला। वर्नेकुलर नेम इसका है ब्रह्मी बूटी। वर्नेकुलर नेम मीन्स जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो दूब ग्रास जो दूब जो हमारी बहुत कॉमन है ग्राउंड्स में, तो ये था रनर्स। फिर दूसरा है स्टॉलन। तो स्टॉलन जो है ये भी रनर्स की तरह ही ग्रो करते हैं इनिशियली, बट इनमें क्या होता है इनिशियली जो है ब्रांचेस पहले ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी ऑर्डिनरी ब्रांचेस की तरह, और फिर जो है धीरे धीरे ये आर्च डाउन हो जाएंगी और टू डेवलप न्यू डॉटर प्लांट्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। तो इस तरह से आर्च हुई, ब्रांच जो है पहले अपराइट ग्रो करेगी, फिर आर्च होगी, फिर सॉइल के अंदर जाएगी, और जैसे ही सॉइल को कॉन्टेक्ट करेगी वैसे ही इसमें से रूट्स और लीव्स जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो एग्जांपल इसका है स्ट्रॉबेरी एंड फ्रेगेरिया वेसिका, और दूसरा है मेंथा। फिर आते हैं ऑफसेट्स। तो ऑफसेट्स क्या है, दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग कंडेंस्ड रनर्स। तो ये है ऑफसेट हमारे पास। तो ये भी रनर ही है लेकिन ये एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। तो इसमें और रनर में क्या फर्क है, यहां पर हमने कहा था देर आर मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड्स, लेकिन जो ऑफसेट्स हैं दे आर ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग,
ये फर्स्ट नोड थी और ये दूसरी नोड है, तो दूसरी नोड से अगेन जो है रूट्स और शूट जो है वो अराइज हो गया है। हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की, कैसे कैसे स्टेम्स मॉडिफाई होती हैं। फर्स्ट है अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन स्टेम मॉडिफिकेशन, मींस ऐसी स्टेम्स जो है अंडरग्राउंड हैं, तो अदरवाइज हमने कहा कि स्टेम जो है वो अबव ग्राउंड होती है। इन सम प्लांट द मेन स्टेम और इट्स ब्रांचेस लाई बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल स्टोर फूड एंड हेल्प इन पेरिनेशन। तो ऐसी ब्रांचेस जो क्या करती हैं, दे लाई बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, अंडरग्राउंड होती हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं, उन्हें कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती हैं, दे आर नॉन ग्रीन एंड रिजेंबल रूट्स इन देयर जनरल अपियरेंस। सो दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्केल लीव्स, एडवेंटिशियस रूट्स, एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड्स एंड एक्सोजिनस ब्रांचेस। तो ये वो निशानियां हैं जो हमें बताएंगी कि जो अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर है वो रूट है या फिर स्टेम है। तो अंडरग्राउंड में सबसे पहले बात करते हैं सक्कर की। तो सक्कर क्या है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ स्टेम है दैट अराइजेस फ्रॉम द एक्सिलरी बड ऑफ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ एरियल स्टेम। तो इसी तरह से जैसे हमने ये सब किए, उसी तरह से सक्कर में क्या होता है, जो स्टेम है, जो स्टेम की कोई एक ब्रांच जो है वो पहले तो जो है वो कुछ पार्ट उसका ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, एक ब्रांच जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी और वो जमीन के नीचे से ग्रो करना शुरू करेगी, अंडरग्राउंड ग्रो करेगी, और कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस तक ग्रो करने के बाद वो इमर्ज आउट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एरियल शूट। तो ईच सक्कर जो है, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, बियर स्केल लीव्स एंड डेवलप एडवेंटिशियस रूट एट द बेस ऑफ नोड्स। तो अब यहां पर ये आर्च कर रहा है ऊपर से, और यहां पर क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड जो है ये ब्रांच जो है वो अंडरग्राउंड होगी और बीच में सॉइल से निकल के आई और प्लांट की फॉर्मेशन की। फिर है राइजोम। तो राइजोम क्या है, इट इज अ पेरिनल अंडरग्राउंड मेन एक्सिस ऑफ प्लांट विच ग्रो बिलो द सॉइल सर्फेस producing shoots above ground and adventitious roots on lower side in favorable season. तो राइजोम में एग्जाम्पल हमारे पास है अदरक का, हल्दी का, जिंजर का। तो इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर अदरक के ऊपर हमें क्या है, धारियां सी नजर आती हैं, लाइन्स नजर आती हैं, तो दीज रिप्रेजेंट द नोड एंड इंटर नोड रीजन्स। तो उसके ऊपर जो पत्तियां, जो छिलका सा होता है, दैट इज स्केल लीव्स, तो ये फूड स्टोर करने में काम आता है और अंडरग्राउंड होता है। तो जो नोड्स हैं, दे बियर स्केल लीव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो राइजोम दो तरह की होती हैं, रूटस्टॉक और स्ट्रेगलिंग टाइप, जो अपराइट होंगी, ऊपर की तरफ होंगी, सॉइल के सरफेस को टच करती है, उनको रूटस्टॉक बोलेंगे। स्ट्रेगलिंग मीन्स विच आर हॉरिजॉन्टल इन पोजिशन, दे लाई पैरेलल टू द ग्राउंड, उनको कहेंगे स्ट्रेगलिंग, जैसे कि जिंजर और टर्मरिक या फिर नीलम्बो न्यूसीफेरा लोटस में होता है। फिर है कॉर्म। तो कॉर्म क्या है, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फ्लैशी सॉलिड एक स्टेम है अंडरग्राउंड विद अ लार्ज एपिकल बड। तो ये हमारे पास कॉर्म है, जिमीकंद जो आपने नाम सुना होगा, तो दिस कॉर्म, दिस हैवी स्ट्रक्चर इज कॉर्म, और ये एपिकल बड है, लार्ज एपिकल बड होता है इसके ऊपर। तो स्फेरिकल होती है जनरली इसकी जो शेप है, तो उसमें भी क्या होता है, जो कॉर्म होते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी सर्कुलर जो है धारियां सी बनी होंगी, दीज आर दी सर्कुलर नोड्स, और जहां से जो है एडवेंटिशियस जो रूट्स हैं वो अराइज हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल होता है कॉर्म के केस में। तो एग्जाम्पल है अमॉर्फोफेलस, एलिफेंट फूटिया, जमीकंद जिसको कहते हैं, कोलोकेशिया, कचालू जिसको कहते हैं, क्रोकस सेटाइवस, तो इन सब में कॉर्म पाई जाती है। तो कॉर्म ऑफ अमॉर्फोफेलस कैंपेनोलेटस इज ह्यूज कंडेंस्ड सिंगल इंटरनोड विद सेवरल एक्सिलरी बड्स। तो एक्सिलरी बड्स से अराइज होती है एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये हमारे पास था नेक्स्ट जो है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। फिर है ट्यूबर। तो स्टेम ट्यूबर्स आर स्वोलन एंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस। तो अब ट्यूबर में क्या होता है, ट्यूबर्स क्या है, जो हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड जो स्टेम ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो एंड्स होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं और वहां पर फूड स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं ट्यूबर। हर एक ट्यूबर के ऊपर, जो आलू जैसे इसका एग्जांपल है कॉमन, तो आलू के ऊपर कुछ डिप्रेशंस आपने देखे होंगे, दीज डिप्रेशंस आर नोन एज आईज, दीज आईज रिप्रेजेंट दी नोड्स। इन नोड से क्या होता है, हमारे पास
देयर अराइज द न्यू प्लांट. तो दिस ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो दिस इज नाउ यू कैन नो दैट पोटैटो इज अ ट्यूबर. नाउ नेक्स्ट इज बल्ब. तो बल्ब क्या है? एक अंडरग्राउंड पायरीफॉर्म और स्फेरिकल मॉडिफाइड शूट हैविंग हाईली रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम एंड सेवरल फ्लैशी स्केल्स. तो बल्ब क्या होता है? एक हमारे पास पायरीफॉर्म मीन्स जैसी प्याज की शेप होती है, दैट इज पायरीफॉर्म. तो यहां पर क्या होता है? वेरी स्मॉल रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम होती है. और क्या होता है हमारे पास? सेवरल फ्लैशी स्केल्स. जो प्याज का जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज फ्लैशी स्केल्स, और ऊपर एक टर्मिनल बड होता है. तो स्टेम जो है कोई रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर नहीं करती, जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे. यहां पर क्या है? जो लीफ बेसिस हैं वो फ्लैशी हो गए हैं. ये हमारे पास लीफ बेस है, ये फ्लैशी है, स्टेम में फूड नहीं है. तो लीफ बेसिस जो है दे बियर एक्सिलरी बड्स विच में ऑल्सो बिकम फ्लैशी टू फॉर्म बल्बलेट्स. तो बल्ब जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, ट्यूनिकेटेड एंड स्केली. तो ट्यूनिकेटेड मीन्स ऐसे बल्ब जिनके ऊपर क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं. जैसे प्याज में बहुत सारे छिलके होते हैं, तो दैट इज ट्यूनिकेटेड बल्ब. तो जो बाहर का जो मेम्ब्रेनस जो कवरिंग होता है प्याज का, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिक. तो ट्यूनिकेटेड बल्ब जो वो दो तरह के होते हैं, सिंपल और ट्यूनिकेटेड. सिंपल में हमारे पास अनियन का एग्जाम्पल है, जिसमें स्केल लीव्स जो है कंसेंट्रिक मैनर मीन्स राउंड 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 इस तरह से जो है अरेन्ज होती है, और कॉमन ट्यूनिक एक उनके बाहर होती है. दूसरा आता है कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब, जैसे कि लहसुन का एग्जाम्पल आ गया. इसमें क्या है? जो हमारे पास जो फ्लैशी स्केल्स हैं वो इस तरह से सेपरेटली जो है वो फूड स्टोर करते हैं. उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ट्यूनिक होती है. बाद में सारे के सारे स्केल्स के बाहर एक और कंपाउंड ट्यूनिक होती है. तो मीन्स एक इंडिविजुअल कवरिंग, एक कॉमन कवरिंग. तो इससे कहेंगे कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब. तो एग्जाम्पल है एलियम सैटिवम, दैट इज लहसुन या गार्लिक. फिर है स्केली बल्ब. तो स्केली बल्ब में क्या होगा? जो स्केल्स हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह अपनी एक एंड को ओवरलैप कर रहे हैं, पूरे बल्ब को जो है वो ओवरलैप कवर नहीं कर रहे, जैसा कि हमने ट्यूनिकेटेड बल्ब में पढ़ा. तो ट्यूनिक और कवरिंग शीथ इज एब्सेंट, कंप्लीटली जो कवर करे शीथ, ऐसी शीथ नहीं है. फ्लैशी स्केल लीव्स ओवरलैप. एग्जाम्पल है लीलियम बल्बिफेरा और लीले. फिर आती है हमारे पास एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस. तो अब अंडरग्राउंड स्टेम्स हमने पढ़ ली, अब जो है हम बात करेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस की. सो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे बात को पहले बात करेंगे स्टेम टेंड्रिल्स की. तो टेंड्रिल क्या है? दीज आर लॉन्ग थिन वायरी एंड स्पाइरली कॉइल्ड क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स. तो इस तरह से वायरी तार की तरह स्ट्रक्चर जो है आपने देखे होंगे कॉमनली अपने आसपास. तो ये हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने में किसी सपोर्ट पे. दे कॉइल अराउंड द नियर बाय सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब. दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. तो अलग अलग तरह के टेंड्रिल्स जो आपने देखे होंगे. फिर स्टेम की दूसरी जो मॉडिफिकेशन, दैट इज स्टेम थॉर्न्स. तो ये जो कांटे होते हैं, दीज आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो ये है कि एक्चुअली द एक्सिलरी बड्स ऑफ सम प्लांट्स बिकम अरेस्टेड एंड गेट मॉडिफाइड इनटू स्टिप शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न्स. तो इस तरह से ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किसकी मॉडिफिकेशन है. ये नीट में काफी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन. तो दीज आर डीप सीटेड स्ट्रक्चर हैविंग वेस्कुलर कनेक्शन विद स्टेम. तो आपने कभी कोई थॉर्न इस तरह से उखाड़ के देखा भी हो तो देखा होगा कि प्लांट की बार्क भी इसके साथ ही आ जाती है. तो दीज आर डीप स्ट्रक्चर्स. दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स और ट्रांसपीरेशन के रेट को भी ये रिड्यूस करती हैं. तो एग्जाम्पल बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास हैं जिनमें कांटे होते हैं, सिट्रस दैट इज नींबू, अनार हो गया, बेल हो गया, एग्ली मार्मिलोज. फिर आते हैं फाइलो क्लैड्स. तो फाइलो क्लैड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट आता है इन पर एग्जाम में भी, और इस ऐसे भी पूछा जाता है एंट्रांस एग्जाम में. तो इन सम ज़ेरोफाइट, ज़ेरोफाइट मीन्स ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशंस में, डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं. द लीव्स आर हाईली रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड टू स्पाइंस. गर्मी बहुत होती है, ड्रॉट होता है, सूखा होता है, तो इसलिए जो ट्रू लीव्स हैं दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस. ट्रू लीव्स जो वो इस तरह से कंटीली हो जाती हैं. और ये जो हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड स्टेम. तो अब इसको लीफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइलो क्लैड, क्योंकि ये कैसा हो गया है, फ्लैटेंड हो गया है, लीफ की तरह हो गया है, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये
स्टेम है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ओपंशिया जिसको कैक्टस बोलते हैं, म्यूलेनबेकिया है, यूफोर्बिया रॉयलीना। तो दे आर ग्रीन इन कलर क्यों? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दे हैव मल्टीपल नोड्स। दिस इज नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अनदर नोड, क्योंकि जहां से लीव अराइज होती है उसको कहते हैं नोड, और बीच का स्ट्रक्चर दैट इज इंटर नोड। एंड दे आर कोटेड विथ थिक क्यूटिकल और वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। तो सम फाइलोक्लैड्स स्टोर वाटर, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स। द लीव्स आर स्मॉल, फ्लैशी एंड कैडिकस। तो स्मॉल है, देख रहे हैं आप लीव्स, और फ्लैशी है, और कैडिकस का मीन्स है जो है वो झड़ती नहीं है, जैसे डेसिड्यूस प्लांट्स मीन्स लीव जो है कुछ टाइम बाद जो है वो फॉल कर जाती हैं। नेक्स्ट इज क्लैडोड्स। तो क्लैडोड्स क्या है? दिज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अगेन दिज आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दिज लीव लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दिज आर नॉट लीव्स। तो जो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल, दिस इज एस्पेरेगस और ये है रस्कस। तो यहां पर फाइलोक्लैड से क्या डिफरेंस है? फाइलोक्लैड में हमने देखा है मल्टीपल नोड्स और इंटरनोड्स, सो यहां पर दीज आर ओनली वन और टू इंटरनोड लॉन्ग। तो एस्पेरेगस जो है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंटरनोड, और दूसरा हमारे पास रस्कस जो है इट इज अ क्लैडोड ऑफ टू इंटरनोड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, द नोडल पोर्शन बिटवीन द टू इंटरनोड्स इज समटाइम्स प्रोवाइडेड विद अ फ्लोरल बड। तो यहां पर जो हमारे पास ये स्केल लीव्स हैं, ट्रू लीव्स जो है वो ये हैं स्केल लीव्स, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रैक्ट। तो यहां पर दिस इज वन नोड, दिस इज वन नोड, दिस इज द इंटर नोड, और एक इंटर नोड के बीच में यहां पर है फ्लोरल बड, यहां पर ही फूल लगता है और यहीं पर फ्रूट जो है वो लग गया है। तो दिस इज क्लैडोड। फाइलोक्लैड और क्लैडोड के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये लीव्स को होल्ड करता है स्टेम जो है वो, ताकि उनको मैक्सिमम सनलाइट मिले। स्टेम वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है रूट के लिए, रूट से लेकर के ले जाता है लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। द स्टेम कंडक्ट्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स। अब क्या है, खाना जो है, भोजन जो है उनका बनता है प्लांट्स का लीव्स में। तो लीव से रूट्स के लिए कौन लेके जाता है? स्टेम के थ्रू कंडक्ट होता है। तो ये जो है फ्लावर्स को जो है होल्ड करता है पोजीशन में टू फैसिलिटेट ए पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। स्टेम आल्सो बियर फ्रूट एंड सीड। तो ये तो हुए प्राइमरी फंक्शन, मींस जिन चीजों के लिए जो है हमारे पास स्टेम बनी है। फिर हमारे पास आते हैं सेकेंडरी और असेसरी फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो स्टेम के नहीं थे लेकिन स्टेम मॉडिफाई हुई और उसने ये फंक्शन करने शुरू किए। तो जैसे फर्स्ट है स्टोरेज, जैसा हमने अभी तक देखा जिंजर में देखा, कोलोकेशिया में देखा, तो फूड स्टोर कर रहे थे। पोटैटो ट्यूबर में देखा, उसी तरह से सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस में जैसे अभी हमने रस्कस और ओपंशिया का एग्जांपल देखा। फिर पेरिनेशन, पेरिनेशन मींस टाइडिंग ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। कई बार अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, तो इस केस में पेरिनेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे जिंजर और कुरकुमा, हल्दी जो होती है सॉइल में ही रहता है, प्लांट नहीं ग्रो करेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी प्लांट ग्रो करेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मींस प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ, स्टेम एटसेट्रा। तो पोटैटो जो है, आलू का बीज जो है, शायद ही किसी ने देखा हो, आलू जो है वो पोटैटो को ही कट करके लगाया जाता है। बस शर्त यह है कि उसकी एक आई जो है वो आनी चाहिए, जैसे वो नो, क्योंकि हमें पता है अब आई जो है वो नोड है और वहां से एडवेंटिशियस रूट्स और शूट जो है वो अराइज हो सकता है। तो इट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो प्रोटेक्शन, तो स्टेम में थॉर्न्स होते हैं जिससे जो है प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है। उसी तरह से सपोर्ट, तो वीक स्टेम जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, हुक्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट में क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द स्टेम।